लगातार आरोपों से घिरने के बाद टीएमसी सांसद मऊआ मोइत्रा ने कहा कि उन्होंने बिजनेसमैन हीरा नंदानी से सिर्फ एक स्कार्फ, लिपस्टिक और आई शेडो लिया था, वो भी एक फ्रेंड के तौर पर। साथ ही मऊआ मोइत्रा ने यह भी बताया कि एक बार बंगले के रिनोवेशन के समय भी उन्होंने हीरा नंदानी से मदद मांगी थी। कैश फॉर क्वायरी विवाद में घिरी टीएमसी सांसद मऊआ मोइत्रा ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों का सिलसिलेवार जवाब दिया और हीरा नंदानी से लिए हुए गिफ्ट की बात भी कबूल की है। बता दें, मऊआ मोइत्रा ने 27 अक्टूबर को एथिक्स कमेटी को लेकर एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने 31 अक्टूबर को पेश ना होने की बात कही। लेटर लिखते समय मऊआ से एक गलती हो गई। उन्होंने पत्र में निशिकांत का जिक्र करते हुए उनका नाम गलती से दुबे से दुबई लिख दिया, जिसके बाद भाजपा सांसद निशिकांत ने सोशल मीडिया पर मऊआ पर तंज कसते हुए लिखा, आरोपी सांसद के ऊपर दुबई का इतना नशा है कि मेरा भी नाम एथिक्स कमेटी के चेयरमैन को लिखे पत्र में दुबई कर दिया। मोहतरमा ने मेरा दुबे नाम बदलकर अपनी मानसिक स्थिति का वर्णन कर दिया है और कहा कि हाय रे, ये कैसी किस्मत। ये सवाल जवाब मोइत्रा और निशिकांत दुबे के बीच लेटर में बदले हुए नाम को लेकर हुए हैं। लेकिन मऊआ ने कैश फॉर क्वायरी विवाद में क्या क्या कहा, चलिए इसके बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। संसद में सवाल पूछने के बदले हीरा नंदानी से गिफ्ट लेने के आरोपों पर मोइत्रा ने कहा कि दर्शन ने बतौर करीबी मित्र के तौर पर 4 साल पहले मुझे बर्थडे पर एक स्कार्फ गिफ्ट किया था और इसके अलावा उसने मेरे लिए बॉबी ब्राउन नाम के ब्रांड की एक लिपस्टिक और एक आई शेडो भी खरीदा था। मऊआ मोइत्रा ने बंगले के रिनोवेशन के लिए हीरा नंदानी से पैसे लिए थे। इस बात पर मऊआ बोली, जब मुझे मेरा निजी सरकारी बंगला आवंटित किया गया था तो ये पुराना सा था, जिसके लिए मैंने दर्शन से पूछा कि क्या वो अपने आर्किटेक्चर को बुला सकते हैं जिससे दरवाजों को रीडिजाइन किया जा सके ताकि लाइट अंदर आ सके। मऊआ मोइत्रा ने ये भी आरोप लगाया कि गौतम अडानी ने उन्हें सवाल ना करने के लिए पैसे देने की पेशकश की थी। मोइत्रा ने दावा किया कि अडानी ने पिछले 3 सालों में 2 लोकसभा सांसद के माध्यम से मुझसे संपर्क किया है कि मैं उनके साथ बैठूं और एक सौदा करूं, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। मुद्दा ये है कि वो सवाल ना करने के लिए कैश दे रहे थे। बता दें, 26 अक्टूबर को एथिक्स कमेटी ने दोपहर में करीब 3 घंटे की मीटिंग की थी। कमेटी ने आयकर विभाग और गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखकर मऊआ मोइत्रा केस से जुड़ी सभी जानकारी मांगी है। साथ ही कमेटी ने गृह मंत्रालय से मऊआ के पिछले 5 साल के फॉरेन टूर का ब्यूरो भी मांगा है। आगे कमेटी ने कहा कि वो जांच करेगी कि मऊआ देश के बाहर कहां कहां गई और उन्होंने इसके बारे में लोकसभा में जानकारी दी या नहीं दी। पूरी जांच पड़ताल करने के बाद मऊआ का उनके सांसद आईडी पर लॉगिन का मिलान किया जाएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए द नगरी न्यूज़। मैं सिद्दीका मनोहर सोनी आपके साथ, शुक्रिया।